उत्तराखंड गठन आंदोलन के बाद देहरादून में भू कानून को लेकर महारैली निकाली गई है। बता दें कि इस महारैली में राजनीतिक पार्टी की रैलियों से ज्यादा लोग जुटे हैं। वहीं गढ़वाल मंडल को भू कानून महारैली में अपार जनसमर्थन मिला है, जिसको लेकर मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने एक बैठक की और इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कैथिक के दिन 15 जनवरी को एक रैली के रूप में राज्य भर से हजारों लोग जुटेंगे। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार सोयाल ने जनता और आंदोलनकारी से अपील करते हुए कहा कि सरकार को समय देने के साथ साथ सरकार पर भरोसा भी करें। उन्होंने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसके साथ ही समय आने पर सभी कामों को पूरा किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निश्चित रूप से मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ की परिस्थितियों को और हमारी सरकार यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती है कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है, वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और सरकार को समय दें और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी को समय दें कि समय आने पर निश्चित रूप से इन सब कामों को समुचित तरीके से किया जाएगा।